जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग समय और कार्य का अगला भाग करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन किया जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। आज हम लोग करेंगे समय और कार्य पर आधारित कार्य और मजदूरी। अब कार्य और मजदूरी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके एवज में कुछ हमको मजदूरी मिलती है, ठीक है। अब ये मजदूरी किस तरह से आपको मिलेगी, जैसे आप किसी के साथ अगर मिलकर कार्य कर रहे हैं तो दोनों लोगों में मजदूरी बढ़ेगी, ये तो सही है। अब दोनों में किसको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा कार्य किया है, ठीक है। तो जो ज़्यादा कार्य करेगा उसको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, जो कम कार्य करेगा उसको कम मजदूरी मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मजदूरी है, जैसे मान लीजिए कोई कार्य दो लोगों को दिया गया करने के लिए, एक ने कम समय में कार्य को कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने अधिक समय लिया, तो मजदूरी किसको ज़्यादा मिलनी चाहिए, जो व्यक्ति कम समय लिया है, ठीक है। तो इसलिए जो कम समय लेगा उसको ज़्यादा मजदूरी और जो अधिक समय लेगा उसको कम मजदूरी, समान कार्य के लिए, है ना, अलग अलग कार्य ना हो। और उसके साथ साथ जो व्यक्ति अधिक कार्य करेगा उसको अधिक मजदूरी, जो कम कार्य करेगा उसको कम मजदूरी। मजदूरी, अधिक कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिक मजदूरी एवं कम कार्य करने वाले व्यक्ति को कम मजदूरी मिलती है, ठीक है। फर्स्ट नोट है, दूसरा पॉइंट है आपका कम समय लगाने वाले को अधिक मजदूरी तथा अधिक समय लगाने वाले को कम मजदूरी मिलती है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट, यदि ए व बी के कार्यों का अनुपात W1 संबंधे W2 हो, तो देखिए जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके कार्यों का अनुपात W1 संबंधित W2 हो, इसका क्या मतलब है कि ए जो है W1 कार्य करेगा और बी आपका कितना कार्य करेगा W2। तो दोनों की मजदूरियों का अनुपात W2 संबंधे W2 होगा, ठीक है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट है आपका, यदि
ए व बी द्वारा किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा किसी कार्य को करने में लिए गए समयों का अनुपात T1 संबंधे T2 हो तो आगे लिख लीजिए उनको मिली मजदूरियों का अनुपात तो उनको मिली मजदूरियों का अनुपात T2 संबंधित T1 होगा ठीक है, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि दोनों के कार्यों का अनुपात W संबंधित W1 संबंधित W2 हो तो दोनों को जो मजदूरी मिलेगी उसका अनुपात क्या होगा, जस्ट इसी का एक मिनट इसको चेंज कर लीजिए। ध्यान दीजिए, अब इसको चेंज कर लीजिए, ये आपका W2 ये आपका W1 संबंधित W2 होगा, ठीक है। दोनों की मजदूरियों का अनुपात हो जाएगा W1 संबंधित W2। जब समय होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, T1 संबंधित T2 हो तो यहां हो जाएगा T2 संबंधित T1। इसको करेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है कि अगर मान लीजिए ए ने किसी का ए और बी के कार्य करने के समयों का जो अनुपात मान लीजिए ये दे दिया आपको 2 संबंधित 3, ठीक है, और आपसे कोई पूछे कि इनके मजदूरियों का अनुपात कितना होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 संबंधित 2, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसी का। और आपसे ये पूछता है कि कार्यों का अनुपात मान लीजिए दे दिया कि 4 संबंधित 5 है, 4 संबंधित 5 यानी 4 संबंधित 5 है, तो उस केस में इनके इनको मिली हुई मजदूरियों का अनुपात कितना होगा, तो जो अनुपात कार्यों का है वही अनुपात आपका क्या हो जाएगा मजदूरी के लिए भी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि पूरे कार्य की मजदूरी कार्य की मजदूरी 450 रुपये हो तो बी को
कितने रुपए प्राप्त होंगे, कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए। यदि तभी किसी कार्य को अलग अलग 10 तथा 15 दिनों पूरा करते हैं, यदि कार्य की मजदूरी 450 रुपए हो। अब इसको आप इस तरह से भी कर, कई तरह से कर सकते हैं। एक तो समय के आधार पे, इनका समय दिया हुआ है। देखिए, ए का समय कितना दिया हुआ है, 10 दिन। ठीक है, बी का समय कितना है, ये हो जाएगा आपका 15 दिन। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात कितना होगा, ये संबंधे बी है ना। इसका मान लेते हैं कि इसका समय जो है T1 है, और इसका संबंध, इसका समय कितना है, T2 है। तो समयों का अनुपात कितना होगा, समयों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, T1 संबंधे T2। और T1 कितना है, 10, और 10 संबंधे दूसरा क्या है आपका, 15 है। तो इसको आप काट देंगे तो 5 × 10 और 5 × 15, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2 × 3। ये आंसर नहीं है, ये समयों का अनुपात है। तो कार्यों का अनुपात कितना हो जाएगा, कार्यों का अनुपात हो जाएगा जस्ट इसी का उल्टा, 3 × 2। आप इसको कार्यों का अनुपात कहिए या मजदूरियों का अनुपात कहिए, कार्यों का अनुपात बराबर हो जाएगा आपका मजदूरी का अनुपात, मजदूरियों का अनुपात। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 2। ठीक है, तो बी को कुल कितने रुपए मिले, ये आपको पता करना है। अब देखिए, जो मजदूरी का अनुपात है आपको 3 × 2 दिया हुआ है। हम अनुपात में आपको बताया था कि इनको अगर जोड़ लेंगे तो टोटल मजदूरी बताएगा कि कितने भाग है। यानी ए को जो मजदूरी मिली होगी 3 भाग, और बी को मजदूरी कितनी मिली होगी, 2 भाग, और कुल मजदूरी कितनी है, 3 × 2 = 5 भाग, और यहां पर कितना दिया हुआ है, 450। तो हम कह सकते हैं बी को मिला भाग बराबर, देखिए ये हो जाएगा बी को मिला भाग बराबर कितना के। एक चीज हमने आपको समझाया था कि हम कुल पैसा गुणे क्या था, बी का भाग बटा क्या था, कुल भाग। ठीक है, ये दो चीजें बराबर रहती हैं, कुल पैसा और कुल भाग सेम रहेगा, बस यह जिसका निकालना होता है उसका यहां लिखते हैं। तो कुल पैसा कितना है, 250 रुपया, और बी का भाग कितना है, बी का भाग है 2/2 कुल भाग कितना है, 3 × 2 है, तो 3 × 2। तो ये हो जाएगा आपका 250 × 2/5। ठीक है, इसको काट दीजिए तो 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25, और 5 × 0 = 0, तो 50 × 2 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी 100 रुपया मिला किसको, बी को। अगर आप ए का हिस्सा पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 रुपये में 100 रुपये बी को मिल गया, तो ए को कितना मिला होगा, 150 मिला होगा। ठीक है, या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या 3 का गुणा कर देंगे तो 50 × 3 = 150 आ जाएगा। चलिए, वीडियो को पॉज करिए, उसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 30 पेन 6 दिन में राम 30 पेन 6 दिन में तथा मोहन उतने ही पेन तथा मोहन उतने ही पेन 10 दिन में बनाता है, बनाता है ठीक है। यदि एक पेन बनाने की मजदूरी, यदि एक पेन बनाने की मजदूरी 50 रुपये हो, 50 रुपये हो तो राम तथा मोहन की प्रतिदिन की मजदूरी क्या होगी? तो राम तथा मोहन की प्रतिदिन की मजदूरी ठीक है, तो एक पेन बनाने की मजदूरी 50 रुपये है तो राम तथा मोहन की प्रतिदिन की मजदूरी क्या होगी? तो यहां पर जो है, चलिए राम को देखा जाए तो राम 6 दिन में, सलूशन देखते हैं इसका, राम 6 दिन में बनाता है बराबर कितने पेन? 30 पेन ठीक है। 6 दिन में अगर 30 पेन बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा? एक दिन में बनाएगा बराबर 30/6 यानी कितना पेन? 5 पेन ठीक है। तो एक पेन बनाने की मजदूरी कितनी है? 50 रुपया है, तो 5 पेन बनाने की मजदूरी क्या होगी? अतः मजदूरी बराबर 5×50 बराबर कितना? 250 रुपया। ये तो राम कमाएगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट, इसी तरह से मोहन, मोहन का निकाल लीजिए, मोहन कितने दिन में बनाता है? 30 पेन 6 दिन में, तो मोहन उतने ही पेन 10 दिन में बनाता है। मोहन 10 दिन में बनाता है बराबर कितना पेन? 30 पेन, ये भी उतने ही पेन बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? एक दिन में बनाएगा बराबर, ये हो जाएगा 30/10 यानी कि 3 पेन बनाएगा ठीक है। तो इसकी मजदूरी कितनी बनेगी मोहन की? अतः कुल मजदूरी बराबर कितना हो जाएगा? 3×50 बराबर 150 रुपये ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक इसी कार्य को